हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम थीम सेटअप करते हैं। और मैं आपको सारे स्टेप बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप एक थीम सेटअप कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, बिकॉज आपके ही इन लाइक्स की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और सारी वीडियो बनाऊँ और सारा कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, जिससे कि आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो MVC 5 जो एप्लीकेशन होती है हमारे पास, उसके अंदर हमें इस टाइप का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलता है। ये जो टेम्पलेट है हमारे पास डिफॉल्ट, या फिर आप इसे थीम भी बोल सकते हो, ये बूस्ट टाइप की है। सो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे अपना एक अलग से जो है बूस्ट टाइप की थीम जो है यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको bootswatch.com पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इस टाइप का जो है वो आपका उसका लैंडिंग पेज दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो बूट्स बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स जो दिए हुए नीचे, यहाँ पे स्टार्टर के लिए, यहाँ पे नेविगेशन बार, सारे सब टाइप के यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिल सकता है। इस पेज पे आने के बाद आपको थीम्स पे जाना है। थीम्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लूमन सेलेक्ट करना है। लूमन सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे जो नेविगेशन जो है इस टाइप के होंगे इस थीम के अंदर, एंड बटन्स इस टाइप के दिखेंगे आपके, और यहाँ पे टाइपोग्राफी या टेबल्स आपको इस टाइप में दिखेंगे डिजाइन के अंदर, लुक एंड फील। देन आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल फॉर्म्स दिखेंगे आपको, ठीक है। इन सारे सारे जो फॉर्म्स, इनको टेबल्स को मैं अपनी आज जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ इस थीम को मैं आप लगाने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लूमन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको bootstrap.css को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो css यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। देन डाउनलोड करने के बाद आपको वापस से अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आना है। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना है। देन सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का जो फोल्डर है आपका कॉन्टेंट, उसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड करना है जैसे लूमन। जैसे वहाँ पे जो आपकी बूटस्ट्रैप डाउनलोड होगी वो होगी bootstrap.css नाम से, आप उसे रीनेम करके ऐड कर देना bootstrap-lumen नाम से, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारी जो है थीम की जो है css है बूट, ठीक है। उसके बाद आपको इतना करने के बाद आपको अपने यहाँ पे वापस से ऐप स्टार्ट फोल्डर के अंदर आना है। देन बंडल्स नाम की फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो बंडल्स यहाँ पे बूटस्ट्रैप बंडल्स, इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक फाइल ऐड कर देना है, सॉरी इस पे नहीं, आपको यहाँ पे कंटेंट और css वालों के बंडल पे आना है। ये js का बंडल था, यहाँ पे css वाले बंडल पे आना है। बंडल पे आने के बाद आपको उस bootstrap.css की जगह पर रखना है आपको bootstrap-lumen, जो आपके जो आपने जो css नाम डाउनलोड करी है उसका नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे कंटेंट के अंदर bootstrap.lumen यूज़ किया, तो आपको भी यहाँ पे वो यूज़ करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सॉल्यूशन को बिल्ड करना है कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद जो आपको लुक एंड फील हो चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड और नेविगेशन है वहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है, एंड आपको जो एक तरीके से यहाँ पे ख़राब हो चुका है। इसको हमें आप अभी सही करना है। आप वापस से अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने लेआउट पेज पे जाना है, जो हमें व्यूज फोल्डर के अंदर, शेयर्ड फोल्डर के अंदर, देन लेआउट और css html पेज पे मिलता है। ये जो अपना जो है वो नेविगेशन बार है अपना, जो है अभी यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है मेन्यू, ये सारे अपने मेन्यू से यहाँ पे। हमें इसको आप रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करना है, हमारे इस टाइप से, इस वाले नेविगेशन बार से। आपको वापस से जाना अपने यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका एक कोड है आपको उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। देन आपको इस सारे कोड को यहाँ पे कमेंट कर देना जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है, उसके बाद आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको वापस से ब्राउजर में जाना, एंड देन आपके पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आप देख सकते हैं जो हमारी जो थीम हो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हमें नेविगेशन बार है, होम है, फीचर है आपकी सेम, यहाँ पे आपका नेविगेशन बार सेम है जिस टाइप का आपने यहाँ पे यूज कर रखा है, एंड सेम जो हमारे जो बटन्स है वो भी आपको इस टाइप से आ गए, जिस टाइप से आपके थीम के अंदर बटन्स है, यहाँ पे प्राइमरी बटन जैसे उसी टाइप से आ चुके हैं। एंड देन हमारा जो लुक एंड फील है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम जो अपने जो नेविगेशन बार के अंदर जो हमारे जैसे जो एक्स्ट्रा जो हमारे नेविगेशन आ रहे हैं, मेन्यूज आ रहे हैं, उसको यहाँ पे आपको चेंज करना है। वापस से अपने लेआउट पेज पर चलना है आपको।
लेआउट पेज पर जाने के बाद आपने जो कोड कमेंट किया था वहाँ से आपने इस वाले पार्ट्स को उठा देना है। सो कॉपी होम की जगह पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट उठाना है अपना इंडेक्स वाला होम वाला, उसको उठा के आपको फीचर्स की जगह पे आपको आपको पेस्ट मार देना है एंड कॉमा, इसके अंदर आपको क्लास ऐड करना है। सो न्यू एट द रेट क्लास, ठीक है। जब क्लास का नेम होगा वो आपको सेम ऐसा होगा जो आपको यहाँ पे नेविगेशन आइटम, तो सेव। देन ऐसा ही सेम आपको इसके साथ करना है, अबाउट वाले नेविगेशन के साथ आप पे आना पेस्ट एंड उसके अंदर आपको सेम क्लास यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। देन अपना कॉन्टेक्ट वाला उठाना है आपको यहाँ से कॉपी, उठाने के बाद आपको यहाँ से सेम इसके अंदर भी आपको यही चीज़ क्लास एड कर देने। इतना करने के बाद आपको जो वाप जो एक्स्ट्रा जो आपके अंदर ये हैं जो ड्रॉप डाउन वाले जो है उसको आपको डिलीट मार देना है। देन तो सेव, उसके बाद आपको अपना कोड सेव कर देना एंड वापस से अपने ब्राउजर में आना एंड रिफ्रेश करना पेज को। सो जो हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पे आप देखते हो उस पर ख़राब हो चुका है, सो उसको आपको वापस करना ब्राउजर के अंदर एंड आपका ये है यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे कंट्रोल विजिबिलिटी होम दिस दिस एप्लीकेशन नेम नेवर, आपको इसको यहाँ से इसको हटा देना नेवर को, कॉपी एंड लिंक ए हो गया अपना, सेव करना वापस से। सेव करने के बाद देन आपको वापस यहाँ पर रिफ्रेश कर देना, सो अपना नेविगेशन बार यहाँ पे हट गया। ओके एक मिनट इसको हटा देना, उसको सेव करना एंड कॉल टू न्यू दिस, ओके दिस दिस ठीक है। बाकी अपना सबसे यहाँ पे भी वापस रिफ्रेश करना है, एप्लीकेशन का नेम आ गया, उसके बाद ऐसे हमें इसके लिए करना है। सो न्यू आइटम आप लिस्ट, उसके आपको यहाँ पे सॉरी ये भी एड करनी है आप यहाँ पे एंकर टैग से दे रिफ्रेश कर रहे हैं आपको चेक करना साथ साथ। सो हमारा होम भी आ गया यहाँ पे, इस टाइप से आपको सभी के अंदर ये वाला टैग जो यहाँ पे ये भी एड करना है आपको साथ साथ में पेस्ट एंड कट पेस्ट यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट एंड इसको उठाने के बाद इसको भी यहाँ से आप कट करके ऊपर डाल लेते हैं आप एंड इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो सेव, देन पेज को रिफ्रेश करते हैं अपने को। सो अभी भी है अपना यहाँ पे अबाउट वाला सेक्शन जो है एक्टिव नहीं आया है, नेवर ऑटो आई डी कोलैप्स। सो क्लास नेवर आइटम सॉरी, एक बार इसको भी हम एक्टिव रखते हैं, सी से चेंज करके देखते हैं अपने यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश। हाँ सो आपको क्लास को अपनी देखनी है नेव लिंक एक्टिव वाली जो क्लास रखनी है यहाँ पे, सॉरी ये आपको यहाँ पे रखनी है एंड सेव, देन वापस रिफ्रेश करना है, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे आ चुका है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे लूँ एक बार कॉपी सेव, इसी का नाम रख दो उसको भी ब्रांड की जगह पे सेव देन रिफ्रेश। सो एप्लीकेशन नेम होम, अच्छा उसके बाद अपना एरिया होगा नहीं होगा नेवर आइटम क्लास होगी अपनी यहाँ पे ये एंड सेव
वापस चलते हैं, अपना वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो ओके ठीक है, सो ये अपने यहाँ पे स्टेप्स स्टेप्स को रख सकते हैं। सो इसको अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सो जो हमारे जो यहाँ पे नेविगेशन बार है, हमारा जो थीम है यहाँ पे सेट हो चुकी है, और ये प्रॉपर तरीके से अपना काम भी कर रहा है। होम पेज हो गया अपना, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, एंड एप्लीकेशन पेज होगा। ठीक है, जो हमारा जो थीम है वो सेटअप हो चुका है, और हमारा जो नेविगेशन है वो सेम लुक एंड फील आ रहा है जिस टाइप से हमारा ये वाला नेविगेशन है। ठीक है, सो अगर आपको ये इसको नेविगेशन को थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे एप्लीकेशन नेम को, सो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। दोबारा आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं इसकी आईडी वगैरह को, या फिर आप ये कर सकते हैं यहाँ पे ब्रांड नेम वगैरह चल जाए तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर। इसको करता हूँ ब्रांड नेम क्लास को, सो ट्राई करते हैं इसको लगा के एक बार। अदरवाइज आपको जो पहले जैसा है उसी से आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। ओके, सो डिज़ाइन थोड़ा हमारा यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। ठीक है, सो या फिर आप हमें, हम अगर इसको हटाते हैं यहाँ से, देन उसके बाद चेक करते हैं। नहीं, सो हम जो अपना पहले वाले जगह पे रखते हैं क्लास। ठीक है, सो यही जो हमारा जो नेविगेशन है यहाँ पे, यही हमारे से लग रहा है। तो ये जो हमारा जो फाइनल नेविगेशन बार है, जहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन भी काम कर रही है, कॉन्टैक्ट पर गए हमें, हमारे मेन्यूज प्रॉपर काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट अबाउट एप्लीकेशन नेम। सो इस तरीके से आप जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर थीम सेट कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर थीम सेट कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो को आज तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।